जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को भी धमाकेदार तरीके से कर रहे होंगे। हम लोग हिंदी पाठ्यपुस्तक क्षेत्रीय भाग दो पढ़ रहे हैं। इसमें हमने यह दंडोरित मुस्कान कविता को पढ़ लिया था, इसके प्रश्न उत्तर को भी देख लिया था। अब हम इसके यही पाठ में जो अगली कविता है फसल, उसे पढ़ेंगे और उसके प्रश्न उत्तर को भी जानेंगे। तो बताइए कैसे हैं आप सभी। आप सभी अच्छे ही होंगे। चलिए, इसे पढ़ने से पहले आप सभी के सामने इसी चैप्टर से रिलेटेड है। देखिए, कहता है कि तन के कपड़े भी फट जाते हैं तब कहीं एक फसल तैयार होती है। किसान के तन के कपड़े भी फट जाते हैं, अपना सब कुछ दे देता है वो किसी फसल को तैयार करने में, और लोग कहते हैं कि किसान के जिस्म से बदबू आती है। तो देखिए, कहते हैं ना कि जब कोई किसान या जवान मरता है तो उस समय सिर्फ किसान या जवान नहीं मरता है, बल्कि उसके साथ पूरा हिंदुस्तान मरता है, या उससे उस शोक में पूरा हिंदुस्तान इतना डूब जाता है कि मानो पूरा हिंदुस्तान ही शोक में डूब गया हो। तो चलिए, अब हम लोग इस पाठ को जानेंगे, इस कविता को पढ़ेंगे, देखेंगे कि इस कविता में कि एक फसल को तैयार करने में किन-किन तत्वों का योगदान होता है, तब जाकर एक फसल तैयार होती है। तो देखिए, फसल को तैयार करने में किसान, पानी, हवा, मिट्टी और सूर्य की किरण इत्यादि आवश्यक तत्वों का क्या होता है, योगदान होता है। लेकिन इस कविता में उसे किस माध्यम से दर्शाया गया है, किस प्रकार दर्शाया गया है, उसे हम लोग पढ़ेंगे। तो यह जो कविता है वो कृषि और किसान के संस्कृति के करीब ले जाती है, हमें बताती है जो किसान है कि इतनी कड़ी मेहनत करके फसल को तैयार करते हैं, जो नदियों का पानी है किस प्रकार फसलों को सिंचाई में मदद करता है, ठीक है, किस प्रकार जो मिट्टी है अपना सर्व पोषक तत्व देकर फसलों को लहलहाते हैं, उन्हें अच्छा बनाते हैं। तो देखिए, कविता के माध्यम से कवि यह बताना चाहता है कि इंसान की मेहनत और प्रकृति में मिलने वाला तत्व दोनों के सहयोग से फसल लहलहा उठती है, यानी इंसान और जो प्रकृति एक दूसरे के पूरक हैं। यदि इंसान मेहनत करे तो वह कुछ भी कर सकता है, ठीक है, कुछ भी कर सकता है, यानी प्रकृति से वह कोई भी चीज़ बेझिझक ले सकता है। आप लोग एक फिल्म भी देखे होंगे, उसमें कहा गया है कि चीर दे इस धरती का सीना और निकाल ले अपने हक की चीज। कहने का अर्थ है कि प्रकृति आप सभी को सभी चीज़ प्रदान की है, बस उसे आप लेने की अपनी मेहनत से उसे कितना ले सकते हो। तो इस पंक्ति को पढ़ते हैं, जो ये कविता है वो बाबा नागार्जुन के द्वारा लिखी गई है। नागार्जुन का जीवन परिचय मैंने आप सभी को बता दिया है। उनका जन्म 1911 ईस्वी में, ठीक है, बिहार के एक छोटे से गांव सतलखा में हुआ था। उनकी मृत्यु कितना में हुआ था आप सभी को कमेंट में बताना है। चलिए, अब इसे पढ़ते हैं। ये आप सभी के सामने पहली पंक्ति यहाँ पे है, कह रहा है, एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। कहने यहाँ पे कहा गया है एक के नहीं और दो के भी नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुंधन। यहाँ पे जो कवि है वो बताने चाहते हैं कि किसी फसल को तैयार करने में किन किन चीज़ों का योगदान होता है, किन किन तत्वों का भी सहयोग होता है। तो कह रहे हैं एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। अब यहाँ पे नदियों के पानी का जादू कहने का अर्थ है कि या तो आप सिंचाई के द्वारा अपने फसलों को पटाते हो, या फिर क्या करते हो, जो नदियों का पानी है वो गर्मी के दिनों में जलवाष्प बनकर उड़ जाता है और फिर बादल बनता है, फिर वही बादल खेतों में वर्षा कराते हैं और फसल उससे लहला उठती है। तो या वो एक नदियों का नहीं होता और ना ही दो नदियों का होता है, हजार और ढेर सारी नदियों का पानी के जादू से वो होता है। फिर कहा गया है एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि हाथों की स्पर्श की गरिमा। और जो कहते हैं कि फसल जो तैयार होती है वो जो किसान मेहनत करते हैं वो एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख किसान मेहनत करते हैं, तब जा कर के हमारी फसल लहलहाती है और हमें मिलती है।
आगे कहा गया, एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार मिट्टी के, हजार हजार खेतों के मिट्टी का गुंदन। अब अच्छी फसल तैयार होने के लिए मिट्टी का उपजाऊपन होना आवश्यक है, अर्थात मिट्टी का अच्छा होना भी आवश्यक है, क्योंकि मिट्टी की विशेषताएं भी फसलों की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। मिट्टी से मिलने वाले पोषक तत्व तो फसलों के लिए ज़रूरी होते हैं, और अलग अलग तरह की फसलों को उगाने के लिए अलग अलग तरह के मिट्टी व उसके गुणों का होना आवश्यक है। इसीलिए कहा गया है कि एक के नहीं, दो के नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुंदन, अर्थात अलग अलग फसलों को उगाने के लिए अलग अलग प्रकार की मिट्टी का जरूर आवश्यक होता है, और अलग अलग मिट्टी में से भी मिट्टी का उपजाऊपन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर जो काव्यांश का दूसरा पंक्ति है, दूसरा काव्यांश दिया हुआ है, इसमें पूछते हैं फसल क्या है, जो कवि है इसमें पूछ रहे हैं कि फसल क्या है। फिर आगे में वो उसका उत्तर भी देते हैं, बोलते हैं और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह। बोलते हैं वह कुछ नहीं है, नदियों के पानी का जादू है, अर्थात नदियाँ जिस प्रकार जादू कहने का मर्थ है, नदियों का पानी जिस प्रकार भाप बन के उठता है और वहाँ पर फिर से संघनित होकर बादल छा जाते हैं, फिर से वर्षा होती है, तो एक प्रकार से क्या हो रहा है, जादू हो रहा है। तो बोलते हैं जादू है वह नदियों के पानी का। फिर बोलते हैं हाथों की स्पर्श की गरिमा है, हाथों की स्पर्श, हाथों के स्पर्श बताया गया है किसान की मेहनत, जो किसानों की मेहनत है उसे बताया गया है हाथों के स्पर्श की गरिमा। जिस प्रकार किसान दिन रात कड़ी मेहनत करके फसल तैयार करते हैं, वही बताया गया है हाथों की स्पर्श की महिमा है। भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, जो भूरी काली संदली, अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग मिट्टी चाहिए, इसीलिए बोला गया है कि अलग अलग भूरी काली व खुशबूदार मिट्टी, यानी अलग अलग मिट्टी के पोषक तत्व भी इसमें आवश्यक होते हैं। रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। अब बोलते हैं रूपांतर है सूरज की किरणों का, जो सूरज की किरणें, देखिए फसलों को तैयार करने में सूरज की किरणें का क्या योगदान होता है, तो सूरज की किरणों से जो पेड़ पौधे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से फिर क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और उससे पेड़ पौधे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो सूरज की किरणों का भी इसमें बहुत ही ज़्यादा योगदान होता है। फिर बोलता है सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। हम देखिए हवा की थिरकन, जिस प्रकार जो पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो उसमें उन्हें भोजन पकाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, तो उसमें हवा की थिरकन को, कार्बन डाइऑक्साइड को हवा की थिरकन से इंगित करते हैं और बोलते हैं किसी फसल को तैयार करने में हवा की थिरकन यानी कार्बन डाइऑक्साइड, सूरज रूपांतर है सूरज की किरणों का, यानी सूरज की किरणों को वह कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के लिए बता रहे हैं। सूरज की किरणों का जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें सूरज की किरणों का आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये था इस कविता का भावार्थ। अब चलिए इसके प्रश्न उत्तर को भी जानते हैं। देखिए इसके प्रश्न उत्तर को जानने के बाद मैं आप सभी को बताऊंगा कि असंभव कुछ भी नहीं। मैं आप लोगों को एक मोटिवेशनल स्टोरी भी सुनाऊंगा, जिसमें आप लोगों को जो इस कविता को पढ़ने के बाद या फिर आप लोग किसी भी चीज़ को पढ़ो तो आप सभी का जो मन है उसमें चार गुना बढ़ जाए, किसी भी सीखने की इच्छा, किसी भी चीज़ को जानने की इच्छा आप सभी के भीतर फिर से जाग उठे और फिर से आप एक जोश और तैयारी के साथ फिर से जुट जाओ। चलिए इसके प्रश्न उत्तर को देख लेते हैं। इसका प्रश्न सभी आप सभी के सामने है, यहाँ पे है पहला प्रश्न है, कवि के अनुसार फसल क्या है। जो कवि ने इस कविता में दर्शाया है उसके अनुसार फसल क्या है, तो कवि कहते हैं कि फसल कुछ भी नहीं है, फसल हजारों लाखों, एक के नहीं, दो के नहीं, हजारों नदियों के पानी का जादू है, लाखों स्पर्श, हाथों के स्पर्श है। ठीक है, रूपांतर है भूली काली संदली मिट्टी का, अर्थात किसी फसल को तैयार करने में, ठीक है, पानी, मिट्टी, किसान की मेहनत, कार्बन डाइऑक्साइड और प्रकाश की किरण, सूर्य की किरण की आवश्यकता होती है, तो वह अलग अलग बिंबों से इन सभी को नाम देते हैं। जैसे वह बोलते हैं कि
फसल है वह करोड़ों किसानों की मेहनत व लगन का नतीजा है। नदियों के पानी का जादू है, मिट्टी में पाए जाने वाले जरूरी अवयव और सूर्य की किरण और हवा में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के गैसों के मिलने का नतीजा है। ठीक है, दूसरा प्रश्न यहाँ पे है। दूसरा प्रश्न, कविता में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्वों की बात कही गई है, वे आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? तो वे आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? वे आवश्यक हवा है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सूर्य की किरण है, किसानों की मेहनत है उसकी लगन है, और क्या है, पानी है या फिर नदियों का जादू है। ये बहुत ही आवश्यक तत्व होते हैं। प्रश्न संख्या 3 आप सभी के सामने है। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है? तो देखिए, हाथों के स्पर्श की महिमा और गरिमा कहकर किसान की अथक मेहनत को वह क्या करते हैं, सम्मानित करते हैं, क्योंकि किसान की लगन व मेहनत व कठिन परिश्रम के बिना खेतों में फसल नहीं उग सकती है। फसल को फूलने में फलने में लाखों किसानों का नहीं बल्कि करोड़ों किसानों के हाथों के स्पर्श की गरिमा होती है, उनकी लगन होती है, उसका मेहनत होता है। किसान कहते हैं कि मिट्टी और पानी के पोषक तत्व तथा सूरज की किरण भी तभी सार्थक होती है जब उसमें किसान उस पर मेहनत करता है, उस पर लगन से उसमें अपनी मेहनत देता है। ठीक है, हाथों के स्पर्श की महिमा और गरिमा का यही अंतर है कि देखिए, किसी फसल को उपजाने में हमें क्या चाहिए, पानी चाहिए, ठीक है, मिट्टी चाहिए, हवा का थिरकन यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए पौधों को भोजन बनाने में, और सूरज की किरण चाहिए। लेकिन इन सभी के बावजूद हाथों के स्पर्श की गरिमा यानी किसान की लगन व मेहनत भी चाहिए, क्योंकि इन सभी चीज़ों के होते हुए भी कोई भी फसल अपने से तैयार नहीं होती, उसे हाथों के स्पर्श की महिमा हाथों के स्पर्श की जरूरत ही होती है। प्रश्न संख्या 4 और आखिरी प्रश्न है इस कविता का, कह रहा है भाव स्पष्ट करना है। इसका क्या पहला है, इसमें पहला नहीं है, इसमें ये दोनों ए बी सी नहीं है, ये दोनों एक ही में है। देखिए ए और बी नहीं है, ये दोनों एक ही लाइन है। ठीक है, कह रहा है रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा के थिरकन का। देखिए रूपांतर है हवा के किरणों का, देख किस प्रकार किसी फसल को तैयार करने में रोशनी व हवा की आवश्यकता होती है। इसीलिए कवि कहते हैं कि जहाँ सूरज की किरणें अपना रूप बदलकर इन पौधों के अंदर समाती है और उसमें दूसरी और हवा की थिरकन भी इन पौधों को इन फसलों को फलने फूलने में मदद करती है। ठीक है, तो ये थे इसके प्रश्न उत्तर। बताइए आप सभी को ये कविता समझ में आई, पाठ सम और इसके प्रश्न उत्तर। इस कविता में किसी प्रकार का डाउट होगा तो आप सभी कमेंट में कर दीजिएगा। चलिए अब हम लोग एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, असंभव कुछ भी नहीं है। यदि आप अपने मन में ठान लो कि हमें कोई काम करना है तो वह असंभव कुछ भी नहीं है। किस प्रकार, देखिए मैं आप लोगों को एक बताता हूँ, एक जो धनुर्धर होता है उसका नाम एकलव्य होता है, तो वह गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है और बोलता है कि मुझे धनुर्विद्या सीखनी है। तो गुरु द्रोणाचार्य उस समय जो राजपुत्र होते हैं उन सभी को शिक्षा देते हैं, उन सभी को धनुष सिखाते हैं। तो वो उस आदिवासी जो एकलव्य होता है, वो आदिवासी का होता है, आदिवासी का बच्चा होता है या आदिवासी से जुड़ा हुआ होता है, तो उसे वो नहीं सिखाते, बोलते कि नहीं, मैं सिर्फ राजपुत्रों को ही धनुष चलाना सिखाता हूँ। तो वह चला जाता है। लेकिन उसी दौरान जो गुरु द्रोणाचार्य है वो अर्जुन को बोल देते हैं कि इस विश्व में सबसे बड़ा धनुर्धर तुम ही होगे। उधर एकलव्य भी अपने मेहनत कर रहा था, उसके पास ना तो साधन थे ना ही उसके पास धनुष थे कि उसके पास बड़े बड़े लोहे या फिर तांबे के बड़े बड़े धनुष हो, तीर हो जिसमें नुकीले किए हुए, वह लकड़ी के धनुष बनाता था, उस पर अपने से उसमें धार लगाता था, वह लकड़ियों से उसमें तीर भी बनाता था इसी तरह करके। और वह सामने में गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा भी रखा हुआ था और उसी को अपना गुरु मानकर अपना वो
काम करता था, अपना धनुष का निशाना लगाता था और अपना निशाना साधता था। इस प्रकार करते करते वो इतना इतना महान धनुर्धर बन गया कि वो एक बार तो वह अर्जुन से भी आगे निकल गया था। एक बार वह अर्जुन से भी आगे निकल गया था। तो देखिए, ना तो एकलव्य के पास साधन थे, ना ही उसके पास और भी किसी तरह से है। आप सभी साधन का रोना रोते हो कि सर मेरे पास तो अच्छे ये नहीं, अच्छे कॉफ़ी नहीं, अच्छे ये नहीं है, मेरे पास तो वो नहीं। लेकिन देखिए, आप सभी साधन का रोना मत लिख रोइए। साधन के अभाव में किसी चीज़ को पूरा करना वो सबसे बड़ी सफलता होती है। तो इसी प्रकार देखिए, एक तो एकलव्य था, वो किसी साधन के बिना भी अपने अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर हुआ था वो। ठीक है, कहा जाता है कि जब वो गुरु द्रोणाचार्य के पास गया था, तो गुरु जो द्रोणाचार्य थे वो उससे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुए थे। लेकिन वो तो पहले कह चुके थे कि अर्जुन से बड़ा धनुर्धर इस विश्व में कोई नहीं होगा। तो वो बोलते हैं कि तुम मुझे, चूँकि तुम मेरे प्रतिमा के सामने ही यह सब करते हो, या फिर मेरी प्रतिमा के सामने ही रखकर, मेरी प्रतिमा को सामने ही रखकर तुमने यह धनुष चलाना सीखा है, अर्थात तुम मुझे दीक्षा दो या फिर गुरु दक्षिणा दो। तो वो गुरु दक्षिणा में वो उससे उसका अंगूठा मांगते हैं, क्योंकि वो अंगूठे को पकड़ के ही ऐसे करके तीर चलाता है, तो अंगूठा ही मांग लेते हैं, अर्थात उसे अंगूठा मांग लेते हैं। लेकिन वह एकलव्य अंगूठा भी दे देता है। तो सोचिए किस प्रकार एकलव्य था, ना तो उसके पास साधन थे और ना ही किसी प्रकार का ये था, फिर भी उसने हार नहीं मानी, परिस्थितियों से लड़ा कि नहीं मुझे करना है तो करना है, और वह करके भी दिखाया। दूसरा एक और स्टोरी है जिसका नाम है, देखिए इस स्टोरी को एक ही लाइन है कि कोई व्यक्ति दिमाग से विकलांग नहीं होता, जो व्यक्ति दिमाग यहाँ से विकलांग है वो क्या है, पूरे शरीर से विकलांग है। ठीक है, तो ये कहना था अरुणिमा सिन्हा का। अरुणिमा सिन्हा एक पर्वतारोहित है, उसने माउंट एवरेस्ट पर फतह किया। देखिए उसका तो एक पैर भी नहीं है, जो उनका रिब होता है वहाँ पे भी कई जगह फ्रैक्चर है, लेकिन उन्होंने क्या किया, हार नहीं माना। देखिए हम लोगों को हल्का सा भी चोट लगती है तो हम लोग क्या करते हैं कि हमें तो चोट लग गया, आज पढ़ाई नहीं करना है, छोड़ दो, आज कॉपी किताब रख दो। लेकिन उन्होंने इतना कुछ रहते हुए भी, जो आदमी चल नहीं सकता, जो लड़की उसके पैर कट जाने के बाद, ये स्टोरी मैं आप सभी को बाद में सुनाऊंगा कि किस प्रकार वो हो गया था, लेकिन उस जो अरुणिमा सिन्हा थी उनका पैर कट गया था। अब सोचिए जिसका पैर कट गया हो वो तो चलने के बाद दूर, उन्होंने क्या किया, पर्वत पर विजय प्राप्त की, वो भी ऐसा वैसा पर्वत नहीं, दुनिया का सर्वोत्तम शिखर माउंट एवरेस्ट पर। तो सोचिए असंभव कुछ नहीं है, बस आप सभी के सोच पर डिपेंड करता है कि आप लोग उसे किस प्रकार मेहनत करते हो। तो चलिए, आप सभी को क्लास पसंद आई होगी, क्लास पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी को किसी प्रकार का डाउट होगा। तो धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।